शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद के नेतृत्व में सहजनवा तहसील में चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को सुन जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर निस्तारण करने का निर्देश दिया। वहीं शासन द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही संबंधित विभागों द्वारा किए जा रहे गाँव के विकास के संबंध में कार्य की प्रगति को लेकर जानकारी भी प्राप्त की। वहाँ शाम से सुबह वॉकिंग करिए, टहलिएगा, शाम को वहाँ आप परिवार के साथ घूमने के लिए रहेगा, इतना सुंदर बन जाना चाहिए। ठीक है, ड्रेजिंग भी हो रही है उसमें? यस सर, ड्रेजिंग भी हो जाएगी। यस सर, मतलब खरपतवार वो सब हटवा दोगे? यस सर, सब हट जाएगा। तो अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, एक साल हो गया पैसा देके। सर उसकी स्वीकृति सर दोबारा हुई, पहले 25 कार्यों की हुई थी, बाद में 8 कार्यों की। हर चीज में विलम्ब। हाँ, और क्या लिया है सर? 2 पोखरे हैं, स्कूल की बाउंड्री है, 1 बारात घर है, प्राथमिक विद्यालय का घर ले रहे हो? यस सर। ठीक है, और सर प्राथमिक विद्यालय आप सभी का स्वागत है। ग्राम पंचायत सीयर में वर्तमान में चयनित है, जिसमें शासन द्वारा स्वीकृत 53 कार्य हैं, कुल धनराशि 4,15,14,405 रुपये प्राप्त हुई है। वेरिएशन में 1 फाइल है। लक्षित कार्य 43 थे, जिसमें जनपद स्तर से स्वीकृत 42 हो चुके हैं। वित्तीय स्वीकृति 3,68,54,243 रुपये की है। 25 कार्यों का L1 टेंडर जारी हो चुका है। निविदा कार्यों की धनराशि 1,92,32,342 रुपये है। 2 कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, दो कार्य सर टोटल निविदा में सर 42 42 सर। यस सर, हो चुके हैं। 3 पे मटी के अंतर्गत गाय या भैंस में जो गर्भवती होती है उसमें बच्चा गिरा देती है, पूरा गर्भकाल पूरा नहीं कर पाता, जिसके अंतर्गत 5% का ब्याज लगेगा। और दूसरी योजना है इस समय पशुधन बीमा, इसके अंतर्गत आप किसी भी पशु के लिए जो दूध दे रही हो या गर्भवती हो उसके लिए